सूरत के उमरवाड़ा इलाके में स्थित श्री सत्य साई ग्रुप की ओर से राजू नगर उमरवाड़ा विस्तार में नवरात्रि के आखिरी दिन हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखते हुए सभी धर्मों के बिरादरों द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पिछले कई सालों से इस ग्रुप द्वारा कौमी एकता के मद्देनजर ऐसे नेक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं और इस बार भी नवरात्रि पर्व के अनुलक्ष्य एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 3,000 से 3,500 लोगों ने खाना खाया। इस अवसर पर श्री सत्य साई ग्रुप के सभी सभ्य और अग्रणी उपस्थित रहे और शहर वासियों को अमन चैन फैलाने का संदेश देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया गया। यहाँ पे नवरात्रि का भंडारे का प्रोग्राम जी, प्रोग्राम में किस क्या चीज का कार्यक्रम रखा गया था? यहाँ पर खाने का व्यवस्था रखा गया है जी। कितने आदमी का खाने का रखा गया? 3,000 लगभग। जी आदिल भाई, कौमी एकता के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? कौमी एकता को ऐसा मानते नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर 2006 से रहता हूँ और आज तक हम जब भी यहाँ रहता हूँ और देखता हूँ कि भाईचारे की तरह रहता हूँ। हमको कोई चीज़ का भेदभाव नहीं पता चला कि हिंदू या मुसलमान किसको बोलते हैं। जो भी फंक्शन होता है उसके साथ हम, हमारा नाम जी राजेंद्र प्रसाद तिवारी है। जी तिवारी जी, आज किस चीज़ का प्रोग्राम रखा था और कहाँ पर रखा था? ये राजीव नगर विस्तार के अंदर में नवरात्र का आखिरी दिन है और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है श्री सत्य साई ग्रुप के नाम से। जी किस चीज़ का प्रोग्राम रखा है? ये नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, नवमी का, इसकी वजह से हम लोगों ने भंडारे का प्रोग्राम रखा है जी। जी ये भंडारे के अंदर कितने आदमी का खाने का आपने बंदोबस्त किया है? यही लगभग कोई 3,000 से 3,500 तक। जी तिवारी जी, ये प्रोग्राम आप क्या, इसके अलावा आप क्या क्या प्रोग्राम करते हो? जी हम गणपति बैठाते हैं श्री सत्य साई ग्रुप के नाम से और साई प्रचार मंडल के नाम से साई बाबा का भंडारा भी करते हैं। मतलब हर तरह का प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं जी। आप ये प्रोग्राम कितने सालों से करते आ रहे हो? जी ये प्रोग्राम तो पिछले कम से कम 11-12 साल हो गए जी। जी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? यही 100 से 150 लोग हमारा, ये मतलब ये सत्य साई ग्रुप का एक सर्कल है तो 100 से 150 लोग हम लोग शामिल रहते हैं इस प्रोग्राम में जी। आपके साथ में तकरीबन ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं? कम से कम जी 100 से 150 लोग इसमें, इस प्रोग्राम में जुड़े रहे। जी आप कौमी एकता के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो ये कौमी एकता के बारे में, इसको तो मैं कोई माने ही नहीं देता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई के समान हैं और हमारे दोस्त भी जो है जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उसमें भी हिंदू मुसलमान सब जुड़े हुए हैं। कोई ऐसी हम लोगों के कैमरामैन मोहसिन शेख के साथ परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत।